حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر تیبا تیرا قرب کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر تیبا تیرا قرب کو جانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ، اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا، گود میں نہر پر عباس کے وہ بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کے وہ بازو کٹانا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ قدرت پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت دا بے حد احسان ہے جس مالک کائنات دی ذات نے سانو سارے نو اپنے کار دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، اے مالک دا جنہ وی شکر ادا کرو تھوڑا ہے کہ دیکھو جس دن دا محرم الحرام دا مہینہ شروع ہویا ہے ہر روز اسی محفل پاک دے اندر تسی آ وی رہے ہو سن وی رہے ہو، اللہ تعالیٰ سارے نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام الانبیاء دے غلاموں کافی چیزاں زمے لگائیاں لیکن وقت دے اندر رہ کے گفتگو کرن دا ارادہ رکھاں گا تے پھر اختتام دی طرف جاواں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت دی لارائب کتاب دے وچوں جڑیاں میں دو آئے کریمہ دے کچھ حصے پڑھن دے شرف حاصل کیتے، پہلی آیت کریمہ خالق کائنات دی ذات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا محبوب انہاں نوں فرماؤ کہ میں کوئی تواڈے کولوں اجرت نہیں منگدا مگر پھر بھی منگنا ہاں۔ ہر نبی جڑے بھی نبی دنیا تے تشریف لے آئے، جڑے بھی نبی آئے انہیں اے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا الا علی اللہ، جڑا بھی نبی دنیا تے تشریف لے آیا انہیں کسے دے کولوں کوئی اجرت نہیں منگی، انہیں آخیا اگرچہ میں اجر لینے الا علی اللہ تے اپنے رب دے کولوں اجر لینے، کدے کولوں اجر لینے اپنے رب دے کولوں، جنہیں بھی نبی آئے آ کے انہیں آخیا لو بھی تھانوں اسی دین دیتا، آ کے تھانوں جین دا سلیقہ سکھایا، آ کے تھانوں دسیا جنت دا دسیا دوزخ دی طرف تھانوں آگاہ کیتا، ہر چیز دا تھانوں حل دسیا، بلکہ اللہ دے نبیاں دے صدقے تو انہوں نعمتاں ملیاں، فرمایا
असी तुहाडे कोलों कोई एदा अजर नहीं मंगदे। तमाम नबियां ने किसे ने भी अजर नहीं मंगया, किसे भी, सारे यही क्या असी दस दे दिता, लेकिन अजर किदे को लेना है? अल्लाह दे कोलों। तुसी भी यार नाल नाल बोलदे रहा करो, किदे को अजर लेना है? अल्लाह दे कोलों अजर लेना है, क्योंकि नबी जानते सन जिदे कोलों कोई भी अजर ले लिया कि तेनू मैं दीन दसिया ते लै एदा अजर मैनू दे फलां चीज दे, तो नबी जानते सन कल क्यामत का दिहाड़ा होया ते जो नफसी नफसी का आलम होया, हर एक ने अपनी अपनी नफसी 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 के आलम के अंदर होगा। फरमाया उस वक्त अगर किसी नबी ने किसी के कोलों कोई अजर लिया होया ते उन्हें उस वक्त आखना अल्लाह दे नबी जी दुनिया से मेरे को उस चीज का अजर लिया जे, लो अज उस अजर का इतने बदला दियो ते सानू सिफारिश करके जन्नत च लैके जाओ। लेकिन हर नबी जानता सी कि जेड़ा शफात दा ताज है किसी और नबी ते सजिया ही कोई नहीं, किसी और नबी ते सजिया ही नहीं, किसे भी नबी ने कोई अजर नहीं मंगया, क्योंकि हर नबी जानता सी कि कल क्यामत आले दिन कोई सवाल ही ना कर बे। लेकिन जो वारी आई ना अमीना दे लाल दी, वारी आई ना लजपाल दी, वारी आई ना मेरे ते तेरे नबी सोने दी, तमाम नबियां दे इमाम दी वारी आई, मेरे नबी जानते सन शिफात दा सिर ही मेरी नबी दे सजना है। फरमाया हो सकता तमाम नबियां ने किसे ने भी कोई अजर नहीं मंगया, पर जदों मेरे महबूब दी वारी आई फरमाया तुहानू इन्नियां चीजां दित्तियां ते मेरे रब ने आप फरमाया महबूबा तू इन्हां दे कोलों अजर मंग, भावे किसे नबी ने नहीं मंगया, फरमाया पर महबूब तू मंग, तू अजर मंग, जे ओदा अजर जेड़ा देणगे ते दुनिया ते ए अजर जेड़ा जेड़ा बंदा देवेगा, महबूबा ऐलान फरमा दे कल क्यामत वाले दिन जेड़ा जेड़ा बंदा इस अजर का बदला देवेगा, कल क्यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे की शफात फरमाएगा, उस बंदे की शफात फरमाएगा। की अजर मंगया? फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, फरमाया तमाम चीजा दी अगर कोई तुसी अजर देना चाहते हो, पर मैं मेरे घर वालियां दे नाल, मेरे करीबियां दे नाल, मेरे करीबियां दे नाल मवद्दत करिया जे, मुहब्बत करिया जे, अगर जे तुसी मुहब्बत करोगे तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो सुनो, फरमाया जिदे दिल दे अंदर मेरी आल दा प्यार मौजूद होया, फरमाया जिदे दिल दे अंदर मेरी आल दा प्यार मौजूद होया, फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना दा लाल गवाही देना, फरमाया ओनी देर तक जन्नत दे अंदर नहीं जावांगा जिन्नी देर तक अपनी आल दे नाल प्यार करन वाले नूं जन्नत दे अंदर ना लै जावां, ओनी देर तक मैं जन्नत दे अंदर नहीं जावांगा। फिर मेरे आका करीम सलातो सलाम ने फरमाया लोगो सुनो, मेरा अल्लाह जिदे नाल बलाई करन दा इरादा फरमा, ए दे नाल मैं बलाई करनी है, मेरा रब जिदे नाल बलाई करन दा इरादा फरमा ले ते मेरा रब करदा की है? फरमाया ओदे दिल दे अंदर मेरी आल दी अल्लाह मुहब्बत पैदा फरमा दे, जिदे नाल रब बलाई करन दा इरादा फरमा ले, जिदे नाल बलाई करन दा मेरा रब इरादा फरमा ले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, आले रसूल एक याम नहीं, मैं दूसरी तीसरी जगह जुमला बोलन लगा, तवज्जो, आज तक तुसा सुनया होवेगा या नहीं, आले रसूल दे छोटे जी फर्दी शान जिदा नाम अली असगर है, चंद महीनिया का तारीख पढ़ के वेख लो, तारीख सुन के वेख लो, सत मुहर्रम जिस वक्त पानी बंद होया, सत मुहर्रम हराम पानी बंद होया ते मेरे इमाम ने अली असगर नू जमीन ते नहीं लेटन दिता, तवज्जो तवज्जो तलब, इमाम नू जमीन ते नहीं लेटन दिता, मेरे इमाम ने हजरत अली असगर नू जमीन ते नहीं लेटन दिता, सत नू भी नहीं, अठ नू भी नहीं, नौ नू भी नहीं, दस नू भी नहीं, मेरे इमाम ने फरमाया, फरमाया मेरे खान वादे वालियो
मेरा अली असगर जमीन ते नहीं लेटना चाहिए क्योंकि साढ़े उत्ते पानी बंद है ते प्यास की वजह तू मेरा अली असगर एड़िया मार दे प्यास की वजह तू मेरा अली असगर एड़िया मार दे फरमाए नो जमीन ते दे कदम ना लगन दे आज तवज्जो मुसलमानों बड़ी तवज्जो फरमाया मेरा अली असगर जमीन ते ना लिटाया जाए कदे कोई चुकदा है कदे हमशीर चुकदी है कदे आप चुकदे ने कदे वीर चुकदा है कदे कोई पुफियां आके अली असगर नु चुकदी है कदे को सीने लांदा है कदे को चुमदा है ते वजह पूछी फरमाया इमाम जी एनु क्यों नहीं जमीन ते लिटाना चाहिदा किस वजह तू जमीन ते ना लिटाया जाए तवज्जो फरमाया मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया मेरे खान वादे वाले मेरा अली असगर एदी शान एदा मुकाम है वे फरमाया अगर चे प्यास दी वजह तू एनु जमीन ते लिटाया गया ते एने प्यास दी वजह तू एड़ियां मारियां जिवें एदे दादा इस्माइल ने जमीन के उत्ते एड़ी मारी रब ने आपे जमजम जारी फरमा छड़िया फरमाया जे अज अली असगर ने जमीन ते एड़ी मार छड़ी ते रब ने एदे पैरां दे सदके भी इत्थे आपे दमदम फरमा दे फरमाया अली असगर नु जमीन ते ना लिटाया जाए नहीं ते अज दूसरा बे दमजम भी जारी हो जाना जे ये कोई शान दा टाइम नहीं बल्कि साडे इम्तिहान दा टाइम मुकाम दसना होंदा तो फिर पता लग जांदा दुनिया वालियां नू ये ते वजह ऐसी ताकत होंदे आ जोर ना लाया ते बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साईं मेरे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हुण दूसरी आयत करीमा जिहड़ी मैं पढ़नी जरा तुहाड़ी होवे जरा सुभान अल्लाह ते पढ़िए फिर अल्लाह दा कुरान आओ फिर इमाम अंबिया दे गुलामों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे नाल प्यार करने वाले हो बड़ी तवज्जो दे नाल मैं पहली आयत करीमा पढ़ी अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी जात ने अपने महबूब अली सलातु सलाम दी आल दे नाल प्यार करन दा हुक्म फरमाया अल्लाह दा कुरान पहली आयत पढ़ी मैं फिर दूसरी पढ़ लावा पहली जरा गौर दे नाल सुनया जे अल्लाह दा कुरान आंदा है कुल्ला أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى कुरान ने फरमाया फरमाया जरा सोनिया किसे नबी ने कोई आके अजर नहीं मंगया किसे नबी ने आके कोई सवाल नहीं कीता जेड़ा भी नबी आया उन्हें आके सिर्फ लोगों नु दीन भी दिता लोगों नु तालीम भी दी लोगों नु जीना सिखाया दुनिया वालियां नु दुनिया ते चलना सिखाया आखरत दे बारे भी उन्हें आके सिखाया जन्नत दा उन्हें आके दसया दोजख दा नबियां ने आके पर किसे नबी ने सवाल नहीं किया किसे नबी ने नहीं कोई अजर मंगया फरमाया हर नबी सोचता रहा कि किते कल कयामत वाले दिन लोग सामने साडे ना आ जान किसे आके ए ना आखन अल्लाह दे नबी जी दुनिया ते साडे कोलों अजर ले आ जे लियाओ ओदे बदले सानू जन्नत लैके देव कोई नबी नहीं मनया हर नबी जानदा है कि शफात वाला सेरा साडे उते नहीं बजया बल्कि ओ नबी ते बजना है जेड़ा पूरी कायनात दा मालिक है इसे वजह तू फरमाया महबूबा इना गुलामा नु जरा कह दे इल्लल मवद्दत फिल कुरबा मेरी आल दे नाल जरा मवद्दत करे आ जे ए मैं एक आयत करीमा पढ़ी जरा दूसरी आयत करीमा भी तवज्जो दे नाल सुने आ जे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम अल्लाह दे पाक कुरान इना दियां शाना बयान फरमाया अल्लाह दा कुरान बोलदा इन्ना मैं दे
कुरान ने फरमाया फरमाया बेशक असा अहले बैत कोलो नजस नु दूर कर छड़या फरमाया असा बलीदी नु हुक्म दिता हर बंदे नु हुक्म है हर मुसलमान नु हुक्म है फरमाया मुसलमान ना गौर नाल सुन ले किसे पलीदी दे नेड़े ना जावी किसे नजस दे नेड़े ना जावी किसे हराम चीज दे नेड़े ना जावी पर जिदू बारी आई मेरे नबी दे कार वालियां दी वारी आई जिदू मेरी सरकार दी आले बै दी वारी आई फरमाया इन्ना मैं युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुम रिज्सा अहलल बैत फरमाया फिर अल्लाह ने इरादा फरमा लिया कि अपने नबी दे कार वालियां तू नजस नु दूर कर देवा इंज दा दूर कर देवा फरमाया वायु तखीरा थो तीरा फरमाया इंज दा पाक कर देवा जिमें पाक करन दा हक होंदा है इंज दा पाक बना देवा जिमें पाक करन दा हक होंदा है उन दुनिया वालियो जरा तवज्जो कर आ जाए जेड़ा मैं जुमला देन लगा अगर सुननी है ते सीना ठर जाएगा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे रब ने फरमाया मैं अहले बैत कोलों पलीती नू दूर कर छड़िया है अहले बैत कोलों पलीती नू दूर कर छड़िया है मैं आना फिर ओ अबू बकर किन्ना क पाक होवेगा ओ मेरा उमर किन्ना क पाक होवेगा जेड़े आज भी मेरे नबी दे नाल लेते आए हजरत अबू बकर किन्ने क पाक होंगे हजरत उमरे फारूक हो किन्ने क पाक होंगे जिन्हां दे बारे मेरी सरकार सलातो सलाम दे गुलामो जेड़े आज भी सरकार दे कोल लेटे हुए मेरी सरकार दे नाल लेटे हुए ने ते ओ किन्ना क पाक होंगे जो रब ने उन्हां दे कोलू हर नजस हर पलीती नू दूर कर छड़िया फरमाया फिर इंज दा पाक बना छड़िया जिमें पाक करन दा हक होंदा है इंज दा पाक बना छड़िया जिमें पाक करन दा हक होंदा है तो फिर अबू बकर किन्ना क पाक होवेगा मेरा उमर किन्ना क पाक होवेगा जेड़े अज भी मेरी सरकार दे नाल लेटे हुए अजमत सहाबा भी तो जरा सुनिया करो ना जरा इधर भी तो तवज्जो करिया करो ना कि इन्हां नू किन्ना क सरकार सलातो सलाम ने पाक बना छड़िया कि आज भी सरकार दे नाल ही लेटे हुए ते कोई गल कर जे यार उन्हां दे बारे उन्हां दी कोई पाकी दा एवें गल करके टुर जाए ते मिसाल नहीं दिंदा ते यार जा वेख ले आज भी सरकार दे नाल मिजार इसे वजह तो ना मैं यारो गली गली जा के ना बन यार नबी दिया यारां दा बन यार नबी दिया यारां दा बन यार नबी दिया यारां दा जी बन यार नबी दिया यारां दा जे शक खोबी ते चल मदीने जे शक खोबी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मिजारां दा बन यार नबी दिया यारां दा जी बन यार नबी दिया यारां दा जी बन यार नबी दिया यारां दा विजदान सौण दिंदा बाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जरा मेरे नाल अपने नबी दे यारां दा जिक्र करो जरा अगले साल तक तुहाडी मस्जिद विचों आवाज आए जेड़ा भी मस्जिद दे अंदर भावे को गैर आवे ते भावे अपना आवे मस्जिद विचों आवाज आवे बन यार नबी दिया यारां दा जी बन यार नबी दिया यारां दा जे शक खोवी ते चल मदीने जे शक खोवी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मिजारां दा बन यार नबी दिया यारां दा जी बन यार
अली 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 मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर कुछ सहाबा इकराम ने कोई आले बैद नाल बुगज नहीं सी रखे प्यार ही किया जो भी किया मोहब्बत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज पढ़ाई है हजरत मौला अली ने मगर पढ़ी है थोड़ी सुभान अल्लाह जिधरू ढिली पै गई पता नहीं की गल यार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है मगर मौला अली ने पढ़ी है असर की नमाज का टाइम है पढ़ के बाहर निकले ने दोवें यार बार एक दूजे दे नाल कलाम करदे आ गुफ्तगु करदे आ दोए चलदे चलदे बाहर आ गए बाहर आए ने ते रास्ते दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक की नज़र पई मौला हसन उते मौला हसन ते नज़र पई है ते नाल उस जगह ते ठहर के गल्लां यार नाल हुंदियां ने पईयां ते बाहां उहदे पुत्तर वाले जी उठा लईयां बाहां उहनां दे पुत्तर वाले जी उठा लईयां ते अर्जी की इशारा किया हसन पुत्र आ हाँ जरा मेरे सीने ते लग जरा मेरे सीने ते लग हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सीने न लाया सीने न ला के प्यार करके चुम के ते अपने कंधियां ते बिठा लिया मदीने दी गलियां अज भी गवाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ओ जड़ी नाने की भी सवारी बनी है ते अज नवासे की भी सवारी बनी है नाने की भी वारी आई तो चुक के लै गए अपने कंधियां उत्ते चुकया मैं आख्या जे नवासे की सवारी दे अगू शबीन की शबीद है इन्ना अदब करना है तो जी नाने की सवारी अबू बकर है ओदा भी जे अदब हो जाए तो फिर अगर बात क्या बात हो जा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अपने कंधियां चुकया है तो मदीने दलिया लैके पे जाते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधियां दे मौला हसन नूं चुकिया होया है जो के जनाबे वाला मदीने दियां गलियां दे अंदर नाल गल्लां करदियां 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 नाल चलदे पे जांदे ने हजरत जनाबे मौला अली नूं हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने अली जी जी अबू बकर जी हुकम आवे फरमाया अली जी अबू बकर जी हुकम आवे फरमाया ए लाल ते तवाटा ए पर लगदा नबी ते वे फरमाया लाल ते तवाटा ए पर तुहाडे ते इन्ना नहीं लगदा जिन्ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते लगदा है मैं ना अपने कंधियां ते चुकिया होया है नाल कदमां नूं फड़िया होया है नाल चलदे पे जांदे ने ते लोकां नूं मैं कहना कहंदे जांदे हो मर गए दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली बच्चियां दा जरा कह ला जिदे दिल विच प्यार दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली दे बच्चियां दा रब ने जन्नत उस नुहागा देनी है रब ने जन्नत उस नुहागा देनी है जिदे दिल विच होवेगा प्यार अली दे बच्चियां दा जिदे दिल विच होवेगा प्यार अली दे बच्चियां दा
बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक वे लोगों नु ए यांदन के दिल दे विच अली दे बच्चियां दा प्यार होना चाहिदा है। फिर जरा तवज्जो करी हजरत जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जनाबे वाला मस्जिद दे अंदर मस्जिद नबी दे अंदर बैठे मिंबर दे उत्ते ने मौला हसन सामने आए मौला हुसैन भी आए ने आके शहजादे आंदे ने उमर जी साडे मिंबर तू थले आ जावो ए तुहाडे नाने दा मिंबर नहीं साडे नाने दा मिंबर। अबू बकर सिद्दीक जनाबे वाला हजरत उमर फारूक मिंबर तू थले आए जिस वक्त थले आए ने आके शहजादियां दे सामने अदब दे नाल खलो गए ते मिठियां मिठियां गल्लां फरमाया जाओ उन जाके बह जाओ मैं कहना जनाबे वाला हजरत उमर फारूक नु लोके आंदे होवन गए तुसी ते अमीर उल मोमिनीन इन्हां दे बच्चियां दी गल सुन के थले आ गए हो मिंबर नु छड के थले आ गए हो आइए के खुतबा देना जुम्मे दा खुतबा देना वाजब है तुसी वाजब नु छड्या आ के अली दे बच्चियां दे नाल फे प्यार कर दे हो मैं कहना जनाबे वाला हजरत उमर फारूक वे लोगों नु आंदे होवन गए दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा मंगला राखिब मंगला राखिब जिन्ने पुत्तर मंगने नी मंग लै राखिब जिन्ने पुत्तर मंगने नी लग आए दरबार अली दे बच्चियां दा लग आए दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता ब्याह दार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता ब्याह दार अली दे बच्चियां दा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे आका करीम ने फरमाया दुनिया वालों सुन लो जिदे दिल दे अंदर मेरी आल दा प्यार होवेगा जिदे सीने दे अंदर मेरी आल दी मुहब्बत होवेगी सत जगह दे बंदे दे कम आ जावेगी सत्त जगह दे बंदियां दे कम आ जावेगी अर्ज कीती गई कमली वालिया माजाक दे नैना वालिया केड़ी केड़ी जगह दे कम आएगी जरा सुनया जे फरमाया जदू बंदे दी मौत दा वक्त करीब आवेगा फरमाया बंदा अगर मरण वाला होवेगा अली दे बच्चियां दा दिल दे विच प्यार होवेगा मौत भी बड़ी आसान तरीके दे नाल आवेगी फरमाया तू सलाह जदू बंदा कबर दे अंदर जावेगा अगर दिल दे अंदर आले रसूल दा प्यार होया मेरे नबी ने फरमाया अगर दिल दे अंदर मेरा ते मेरी आले बैत दा प्यार होया फरमाया जदू पुछया जाएगा मा कुलता तकुल फी हक्की हाज़र रजुल जरा दस दे सही इस हस्ती दे बारे की कहंदा रहा मैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया अगर दिल दे अंदर मेरा ते मेरी आले बैत दा प्यार होवेगा उठे जान जावेगा फिर बोल के आखेगा ऐ ते हसनैन दा नाना ए दूसरा मुकाम फरमाया कबर दे अंदर फिर तीसरा जरा सुनया जे फरमाया जिस वक्त सूर फूकया जाएगा जिस वक्त कबरां दे विचों बाहर आओगे कबर दे विचों तुहानू बाहर कढ़िया जाएगा फरमाया फिर उस वक्त अगर तुहाडे दिल दे अंदर मेरी ते मेरी आले बैत दा प्यार होवेगा उस वक्त भी फिर कम आ जावेगा फिर फरमाया चौथा मुकाम
चौथा ओ मुकाम है जदों तुहाडे हाथ अंदर किताब दिती जाएगी, जदों तुहाडे हाथ अंदर किताब दिती जाएगी। फरमाया अगर मेरी ते मेरी आले बैद दा प्यार होवेगा उत्थे भी कामयाब हो जावेगा। पंजवा फरमाया फरमाया जदों तेरा हिसाबो किताब होवेगा उस वक्त भी मेरी ते मेरी आले बैद दी मुहब्बत कम आ जाएगी। छेवा फरमाया जदों मिजान दा मुकाम होवेगा, जदों नाम अमाल तोले जाणगे, जदों तगड़ी लग जाएगी, जदों नाम अमाल तुलणगे। फरमाया अगर दिल दे अंदर मेरा ते मेरी आले बैद दा प्यार होवेगा फरमाया उत्थे भी कम आएगा। सतवीं जगह सुनिया जे फरमाया एक पुल सिरात जड़ी 50,000 साल मुसाफत है। फरमाया अगर दिल दे अंदर मेरा ते मेरी आले बैद दा प्यार होवेगा फरमाया पुल सिरात भी एवें गुजर जाएगा, एवें गुजर जाएगा जिवें बिजली गुजर जाती है। बिजली गुजर जाती है सत्ता मुकाम ते फरमाया मेरी ते मेरी आले बैद दी मोहब्बत तुहानू कम आवेगी। ते मैं कहना मेरे नबी दी हदीस मुबारक भी आंदी है, ए कहंदी आवेगे दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा, दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बया दा। दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बया दार अली दे। मेरे आका करीम सलातो सलाम ने फिर अपनी आले बैद दे हवाले दे नाल मेरी सरकार ने फरमाया दुनिया दे उत्ते दो वजनी चीज़ां छड़ के जा रहे हैं। दो वजनी कीमती नहीं आख्या की फरमाया दो वजनी कीमती फरमाते थे उस चीज़ की कोई ना कोई कीमत होंगी। फरमाया दो वजनी चीज़ां छड़ के जा रहे हैं, एक कुरान है दूसरा मेरा खानदान है। एक कुरान है तो दूसरा मेरा खानदान है। रजपाला किवें वजनी ने कुरान पाक दे बारे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के उत्ते जिन्नियां किताबां आउणगियां लोग बदलते रहेंगे, उन्होंने कदे कोई हालत कदे कोई किताब बदल छड़न दे कदे कोई। मैं अल्लाह का कुरान इन्ना वजनी छड़ के जा रहा कियामत तक जिन्ने वड्डे कमीने तो कमीने भी आ जान अल्लाह दे कुरान दी ना कोई जेर बदल सकदा है ना कोई जबर बदल सकदा है। इन्नी वजनी मैं ना कोई जेर बदलेगा ना कोई जबर बदलेगा। ते खानदान एक इन्ना का वजनी है, मैं अपना खानदान इन्ना का वजनी छड़ के जा रहा इन्ना वजनी छड़ के जा रहा। पर मैं करबला दा 10 मुहर्रम उल हराम दा दिहाड़ा होगा फरमाया गाजी ते गाजी रह गया, अली अकबर ते अली अकबर रह गया, हुसैन ते हुसैन रह गए। फरमाया इन्ना वजनी छड़ के जा रहे हैं कोई कमीना मेरा छोटा जा अली असगर भी नहीं उठा सकेगा, अली अली असगर भी नहीं चुक छेगा। इन्ना क मैं वजनी छड़ के जा रहा हूँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। मेरे जुम्मे फिरे भी लगाया कि हजरत अली अकबर की शहादत भी पढ़नी है, वो करबला तो बाद ही भी चंद गल्लां करनी है। मेरे आका करीम सलातो सलाम के गुलामों अपने मौजू की तरफ फिरावा। मेरे आका करीम सलातो सलाम के नवासे करबला के मैदान के अंदर दो मुहर्रम जिस वक्त सरकार सलातो सलाम के नवासे ने डेरा लाया ना उदन ते जमीन भी बोली करबला दी जमीन। उस वक्त रो के उन्हें अर्ज की थी आका हुसैन मेरे ते डेरा ना लाओ, मेरे ते डेरा ना लाओ। फरमान लगे की वजह है, जमीन ने रो के अर्ज की थी आका मेरे ते बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह दे आए, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े वली आए, जलीलुल कदर भी
अल्लाह दे खलील जैसे भी आए, रब दे कलीम जैसे भी आए, पर मेरे ते किसे डेरा ना लाया। मैं ओ तप दी करबल दी ओ जमीन आ आका जड़ी इन्नी के प्यासी आ। मेरे इमाम ने फरमाया जे तू उन्नी प्यासी है तो एक ही हुसैन है जेड़ा तेरी प्यास बुझाएगा, हुसैन ही है जेड़ा तेरी प्यास बुझाएगा। किसे नबी तेरी प्यास नहीं बुझाई, किसे वली तेरी प्यास नहीं बुझाई, तो तेरा ऐ हुसैन तेरी प्यास बुझा के जाए। फरमाया इनियक तेनू जाना देवांगा, अपना गाजी कड़ियल जवान अपना वीर देंगा, ते तेरी फिर भी प्यास ना बुझी, अपने भांजे तेरे तो कुर्बान कर देंगा, उन्हों मुहम्मद जैसे फूल तेरे ते कुर्बान कर देंगा। फरमाया जे तेरी फिर भी प्यास ना बुझी ते 18 साल का कड़ियल अली अकबर भी तेनू देंगा। फरमाया जे फिर भी प्यास ना बुझी ते नन्ना जा अली असगर भी तेरे तो कहावांगा। फिर भी प्यास ना बुझी ते हुसैन अपना खून दे के तेरी प्यास बुझाएगा। फरमाया जे तेनू अज तक किसे ठंडा नहीं किया, हुसैन तेनू करके जाएगा ते क्यामत तक याद रखेगी दुनिया कि करबला दी प्यास नू बुझा गया हुसैन, क्यामत तक याद रखेगी। मेरे आका करीम ने सलातो सलाम दे गुलाम सत नू पानी बंद तुसा सुनिया, 8, 9, 10 तीन दिन दे त्रियाए सैयद हो गई सब दियाँ खुशक जुबाना, फिर भी वद वद जाना दितियां उन्हां गाजियां शेर जवाना। मेरे आका हुसैन दा कड़ियल जवान पुत्र अली अकबर वीर भी कुर्बान हो रहे ने, भांजे भी कुर्बान हो रहे ने, दर्द दिल लैके बैठिया करो, मंजर सिर्फ करबला वाला लैके आया करो। आवाज तरन्नम हर फूल दी अपनी खुशबू होंदी है, मंजर वो लैके आया करो कि आले रसूल दा दर्द समझिया करो। गमे हुसैन दे विच रोना भी सरकार दी सुन्नत है, आंसू निकल आना यह भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, गमे हुसैन दे अंदर भी रोना। लजपाल हुसैन ने अपने भरावां नूं कुरबान किया है, नवासियां नूं कुरबान किया है। उन जवान अली अकबर है अगे बाप दे नाल जिद्दी भी लाशा चुक के बाप दे नाल लैके आउंदे ने, अगर चाचे दा उठाना पिया ते नाल पुत्र गया, जिन्हां दा भी उठाना पिया मेरे इमाम दे नाल जवान पुत्र जाके लाशे उठांदा रहा। हुण फिर मुसलमान भाइयो आओ जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे, आका हुसैन दे नाल प्यार करने वालेओ बड़ी तवज्जो दे नाल मेरे जुमले सुन के जाया जे। ओ लोगों केड़ी दास्तान सुनानी शुरू कर देवां, करबला दा यो दिहाड़ा जेड़ा किते 12 घंटियां दा नहीं पिया गुजरदा, किते 24 घंटियां दा नहीं पिया गुजरदा, अज करबला दा दिन जेड़ा चढ़िया है 72 घंटियां दा लंबा दिन हो गया। मेरे नबी दे नाल प्यार करने वालियो आका हुसैन दा कदे वीर कुरबान आउंदा है, कदे नवासे कुरबान पे आउंदे ने, किते होर कुरबान पे आउंदे ने, किते जनाबे वाला वहा बिन कलबी पे कुरबान आउंदे ने। हुण जनाबे वाला सारे एक एक करके जाने पेने, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जनाबे वाला सारे कुर्बानियां पे दें देने, हुण हजरत इमाम हुसैन वीर दा लाशा लैके बैठे हुए ने, जनाबे वाला अंदर नजर की मारिए अचानक वेखिया हजरत जनाबे अली अकबर ने भी तैयारी कर ली, इमामा सर ने उत्ते रखिया हुई है, हाथ दे अंदर तलवार पकड़ी हुई है। अब्बा हुसैन दी बारगाह दे अंदर कदने अबू जान सारे ने अपनिया अपनिया जाना दे नजराने दे लेने, अबू जान मेरा भी दिल कर दे मैं भी नाने दे रोजे तू कुर्बान हो जावा, मैं भी नाने दे रोजे ने उतों अपनी जान कुर्बान कर देवा। आका हुसैन ने जदों अपने जवान पुत्र दी विचों जबान दे विचों जुमले सुने ने, मैं आना ओए लोगो जेड़े बाप नूं पता चल जाए
मेरा पुत्र दुनिया तो चला गया वे। अचानक जो जवान पुत्र की खबर सुन दे, एक दफा जरा बाप की कमर टेरी पै जाती है, एक दफा बाप का दिल हिल जाता है। मुसलमानो फिर ये वो जवान है जिदी शक्ल भी मेरे नबी दे नाल जिहड़ा हम शक्ल है मुस्तफा वे। अली अकबर नूं वेखिया इंज लगदा है जिवें मेरे नबी का चेहरा वेखिया है। जदों उस जवान ने अपने बाबा दे कोलों इजाजत मंगी है, मेरा लजपाल हुसैन अखां दे विचों आंसू आ गए। जिस वक्त आंसू आए ने पुत्र नूं सीने नाल लाया, सीने नाल ला के फरमाया, अली अकबर जी बाबा जान हुक्म होवे। फरमाया जाओ ना जाके जरा पहले अपनी मां दे कोलों इजाजत लवो। ओ दुनिया वाले ओ अज भी जदों घरों पुत्र निकल देने मावां ते मगरों हैरी सल्ला दियां दवावां कर दियां ने, मावां मगरों हथ चुक दियां ने आंदियां ने शाला मेरे पुत्र दी खैर होवे, मेरे पुत्र नूं तत्ती वाह ना लगे। मावां दे दिल फट जांदे जे लोगो जदों नूं पता चलदा है मेरे पुत्र नूं कंडा चुभ गया वे। ओ उस मां ते की गुजरदी होवेगी जिहदा पुत्र आ के मौत दी इजाजत पिया मंगदा है, जिहदा पुत्र आ के इस दुनिया तों जाण दी इजाजत पिया मंगदा है। हजरत अली अकबर अम्मा जान दी बारगाह दे अंदर हाथ जोड़े होए ने दया करदे ने आंदे ने अम्मी जान अज नाले दे रोजे ते कुरबान होण वाला दिन आ गया है। अम्मा जी मेरा भी दिल करदा है मैं भी नाले दे रोजे तू कुरबान हो जावा। मेरे नबी दे नाल प्यार करने वालियो हजरत अली अकबर ने अपनी मां दे कोलों इजाजत लई है, लैके फिर चलन लगे ने। आका हुसैन फरमांदे ने तेने पुत्रा जा जरा अपनी पुफी दे कोलों इजाजत लैके आओ, अपनी पुफो जनाबे ज़ैनब दी बारगाह दे अंदर जाओ, सानिए ज़हरा दी बारगाह दे अंदर जाओ। अली अकबर पुत्र जी तो अपनी पुफी दे खेमे दे अंदर आए ने, पुफी अंदर दो अपने पुत्रां नूं आउण ते मुहम्मद दा लाशा रखिया होया है। दोवां पुत्रां दे लाशे नूं चुमदियां ने, कदे अपने ओनू प्यार करदियां ने, कदे अपने पुत्र मुहम्मद नाल प्यार करदियां ने। ओए लोगो मां ने दोवां लाशा नूं रखिया होया है, अज भी तुहानूं पता है मावां ते की गुजरदी है। किते जवान पुत्रां दी मैयत पई होवे मावां दे कलेजे फट जांदे जे। ओ दुनिया वालियो जदों जनाबे ज़ैनब ने अपने भतीजे अली अकबर नूं वेखिया है, फरमाया अली अकबर जी पुफो जान हुकम होवे। फरमाया शहजादिया किधर आया है, किधर आया है। हजरत अली अकबर ने हाथ बन्ने होए ने, अर्ज करदे ने आंदे ने पुफो जान मैं सुनिया सखियां दे दरवाजे ते आया, अज तक तुहाडे दर तों कोई भी खाली नहीं गया, अज तक किसे नूं तुसां खाली नहीं लुटाया। मैं भी तुहाडे दरवाजे ते सवादी बन के आया। मुसलमाना जुमले सुनी हजरत जनाबे ज़ैनब आंदियां ने भतीजिया अज मेरे कोलों पानी ना मंगी, कुछ खान नूं ना मंगी, मैं अपने शहर तू दूर तेरे नाल मुसाफिर आईया। मेरे कोले अज पानी ना मंगी, तेनू पता है तीन दिन हो गए ने इन्हां जालिमां ने पानी नहीं पीण दिता, मेरे पुत्र प्यासे दुनिया तो टुर गए ने। अली अकबर पुत्रा बोल, अली अकबर पुत्रा बोल, भुखी जान बोल के आंदियां ने। अली अकबर बोल, भतीजिया बोल ते सही, मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी। वे भतीजिया बोल ते सही, मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र भी याद रहने
पर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। अली अकबर नूं आंदियां ने भतीजिया बोल ते सही, हद करदे ने आंदे ने पुप्पू जान मैं जान ते कोई पानी मंगन नहीं आया, कोई खाना मंगन नहीं आया। पुप्पी जान आंदियां ने भतीजिया तू मेरी जान मंगे तेरी पुप्पी जान दे देवेगी। शहज़ादा अली अकबर बोली आए अर्ज करदे आंदे पुप्पो जान मैं कोई जान लैन लई नहीं आया, बल्कि जान देण दी इजाजत लैके आया वा, इजाजत तुहाडी बारगाह दे अंदर लैके आया वा। जदों पुप्पो जान ने सुनिया अखां दे विच आंसू आ गए, आके सीने आंदियां ने भतीजिया इहनू पता है पहले पुत्र भी टुर गए ने, इस दुनिया तो वेख चले गए, अपने नाने तू जान कुर्बान कर गए ने। पर भतीजिया मैं तेरी सूरत वे नहीं हाँ, तेरी सूरत विचों अपना नाना मुस्तफा याद आ, किवें तेनू जान दी दे दी इजाजत देवा। पुत्रा तू चला गया मेरी नाने दी तस्वीर चली जाएगी, अगर तू चला गया मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी। शहज़ादा अली अकबर करदा आंदा पुप्पो जान अज अगर मैं ना गया जमाने वाले मेरे बाबे नू गल्लां करनगे, लोग आखणगे हुसैन लोगां दियां जानां कुर्बान करांदा रिहा, भैणां दे पुत्तरां नू कुर्बान करा छड्डिया। जदों अपने पुत्तर दी वारी आई हुसैन ने सीने नाल ला के रखिया, ओनू नहीं कुर्बान आन दिता। ओ दुनिया वालियो हजरत अली अकबर रोंदे ने पुप्पू जान दी बारगाह दे अंदर, जनाबे सानी हजारा हजरत ज़ैनब रोंदियां रोंदियां अलविदा पियां करदियां ने, आंदियां ने जा भतीजिया खैर होवी, या भतीजिया खैर होवी। शहज़ादा अली अकबर निकली आए, उन्हें जनाबे वाला हाथ दे अंदर तलवार पकड़ी हुई है, तलवार पकड़ के दे जनाब बार जनाबे मैदान दे अंदर जाके ललकारा मारिया, फरमाया आओ यजीदियो वेखो अली दा शेर आ गया जे, इधर नजर मारो सानू पछाणो असी कौन आ, साडा नाना मुस्तफा ए, साडा दादा अली ए, मैं हुसैन दा पुत्तर ना, तेरा मेरे वाल नजर मारो। जनाबे वाला हर तरफ अपना ऐलान कीता है, ऐलान करके वार जारी है। हजरत इमामे हुसैन फरमा लेने आंदे ने मैं वेंदा रहा पुत्तर नू जिधर नू जांदे ने मेरा इमाम नजर मार दे, एक गिद्दो गबार उड़दी है मेरा इमाम फिर भी वेंदा है, वेंदे ने जिधर नू यजीदी कुत्ते अगे दौड़दे ने। मगर अली अकबर अली दा शेर मगर मगर जान ले, मेरे नबी दे नाल प्यार करने वालियो थोड़ी देर गुजरी है, अली अकबर नू प्यास लग गई, दौड़दिया दौड़दिया दोबारा खैमे वाले आए ने, आके अबू जान दी बारगाह दे अंदर, बाबा हुसैन दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने आंदे ने अबू जान अगर एक कुठ पानी दा मिल जावे कोई यजीदी जिंदा नहीं रवेगा, कोई जालम जिंदा नहीं रवेगा। बाबा हुसैन ने फरमाया पुत्रा मेरा अपना शहर आंदा तेनू पानी लाजमी देंदा, तेनू पता तीन दिन गुजर गए ने एक कुट पानी नहीं पीता। फरमाया पुत्रा जरा अपना मुंह नेड़े करना मैं अपनी जुबान चुसाना। ओ दुनिया वालियो हुसैन ने अपनी सुखी जुबान पुत्र नू चुसाई है, चुसान तो बाद अली अकबर आप चलने ने फिर जनाबे वाला करबला दे मैदान दे अंदर एर ललकार मारी।
माया आ जावो अली दा लाल आ गया जे मेरा इमाम अली अकबर जिधर भी जाते ने जनाब गाजर ते मूली दी तरह कटते जाते ने जालम इधर शिमर बोल दे होली बोल दे जनाब आते ने कोई नू कोई नेजे मारे को तीर मारे फिर जनाबे वाला नेड़े कोई ना जावे उन दुनिया वालियो एक जालम ने जोर दे नाल खंजर मारिया इमाम दा पुत्र अली अकबर सीने दे अंदर खंजर लग गए तीन तारियां वाला खंजर लग गए जमीन ते आन लगे आवाज मारी अबू जान पुत्र अली अकबर दी खबर ले आ जे तुहाडा पुत्र जमीन ते गया वे अली अकबर जमीन ते आए ने मेरे इमाम ने जनाबे वाला अपनी गोद अंदर पुत्र नु लिटाया लिटा के अली अकबर अल कदने आंदे ने अबू जान अला मेरे सीने दे विचू खंजर कड्डो मैं जालमा कोलो अपने चाचे दा बदला लेना है अपनी जनाबे पुप्पो जान दे पुत्रां दा बदला लेना है मेरा इमाम जिदू खंजर कड़ दे दुनिया वालियो मेरे इमाम ने जिदू जवान पुत्र दे सीने दे विचू खंजर कड़िया खून दा फुआरा निकल दे इमाम दी गोद अंदर पुत्र दा खून निकलदा है इतरू खून निकलिया है इतरू मेरे इमाम दी जान भी परवाज कर गई इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन मेरा इमाम पुत्र नु चुकन लगे तारीख इब्ने असाकर पढ़ के वेखो मेरा इमाम करबला दे अंदर 55 साल पंज महीने ते पंज दिन उमर हो गई लेकिन दाढ़ी ते बाल सर दा एक भी बाल सफेद नहीं है पर जिदू जवान पुत्र दी मैयत चुकी है लेके खेमे वाल चलन लगे ने इमाम दी सारी दाढ़ी भी सफेद बाल भी सफेद हो गए लोगो जिदू पापा दे कदिया दे जवान पुत्रां दियां मैतां आउंदियां ने बापां दियां कमरां टुट जांदियां ने जवानियां मुक जांदियां ने मेरा इमाम पुत्र नूं लै के चलन लगे ने एक एक करके सारे बाल सफेद हो गए खेमे दे कोल पहुंचे एक जनाबे वाला मदीने तो मुसाफिर आया है मुसाफिर खत लैके आया है खत भी अली अकबर दे ना सुगरा पैन ने लिखिया होया है ओ खत लैके आन वाला मदीनियों खत लैके आन वाला जदू मेरे इमाम दे सामने आया है मेरे इमामे हुसैन आंदा हुसैन मेरे इमाम नु पुछन लगा जांदा जनाबे वाला दसो ते सही आका हुसैन किथे ने मेरे इमाम नु पुछानिया कोई नहीं पुछदा जांदा दसो हुसैन किथे ने मेरा इमाम फरमांदे ने मैं ही हुसैन दा ना ना मैं नहीं मनदा के तुसी हुसैन हो फरमान लगे क्यों नहीं मनदा आंदा मेरा हुसैन ते होवे जिदा सर दा बाल ते एक भी सफेद नहीं सी जिदी दाड़ी दा बाल भी एक भी सफेद नहीं सी तुहाडी ते दाड़ी दे सारे बाल सफेद ने सर दे सारे बाल सफेद ने जदों सफेद वाली गल सुनी है मेरा इमाम ने फरमाया ओ मदीनियों यौन वालिया तू मेरे जवान अली अकबर दे अगर टुकरे वेख लेंदा दुबारा सवाल ना करदा कदे भी ना आंदा वालां दे बारे कदे भी ना पुछदा खत सामने आया है खत दे उते लिखिया होया है खत दे उते की लिखिया होया है शार ने नक्शा कशी कीती है पैन हमशीर अली अकबर दी पैन सुगरा ने लिखिया होया है वे वीरा सब परदेसी वतनी आए
अली अकबर तू भी मोड़ मुहारा वादा करके ओए अमड़ी जाया मेरिया लैन नयायू खबर एन तेरी उड़ीका फिकर दिए अपने वीर नू दूला बनता वेखने वीर नू अपने हाथों के नाल सजाने उस भैन नू की पता ए वीर ते दुनिया तू चला गया वे अपनी दी सुगरां दा खत पढ़िया खत दे उते जनाबे वाला मेरा इमाम पढ़ते ने नाल उन्हां दे वीर दी लाश नू वेंदे ने मैं आना मेरा इमाम तारों की तार अखां दे विच आंसू आउंदे होणे ने मेरा इमाम अपने पुत्र दी लाश रख के परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती अल्लाह इन्नियां लाशां दे अंदर तेरा हुसैन खड़ा है अल्लाह तू राजी हो जा मेरिया मालका तू राजी है कि नहीं राजी गैब तू आवाज आउंदी है इरजी इला रब्बी की रादिया तम मर दिया गैब तू आवाज आउंदी है हुसैन तू अपने रब ते राजी तेरा रब तेरे ते राजी है माया हुसैन तू अपने रब ते राजी हो जा इरजी ई इला रब्बी की रात दिया तम मर दिया इंज मेरी तरफ आ जा कि मैं तेरे ते राजी हां ते तू मेरे ते राजी है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो वक्त थोड़ा गल्ला जायज सन पर मेरे आका करीम ने सलातो सलाम दे गुलामो आका हुसैन ने करबला दे अंदर भी अपना हक औलाद माल जान हर चीज कुल नसलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन फरमाया महबूबे कह दियो मेरी नमाज मेरी जकात मेरी जिंदगी मेरी मौत सब कुछ अल्लाह वास्ते ये तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कह छड्या ते नवासियां ने भी करबला दे अंदर माल भी औलाद भी अपनी जान भी दे के फरमाया सब कुछ अल्लाह वास्ते सब कुछ अल्लाह वास्ते वे ते मेरे हुसैन नू उस वक्त भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों बाद दियां गल्लां अगर कर दे जाइए टाइम थोड़ा टाइम ते खत्म हो गया उन दोस्तां दियां सिर्फ तवज्जो ने घड़ी वल कि यार हुण छड्डन ते लंगर दा इंतजाम ही होया ते उधर असीं तवज्जो करिए मेरे आका करीम अलैहि सलातो सलाम दे गुलामों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत रखण वालेओ करबला दा एक ओ सीन होया कि दस मरना में जो आका हुसैन की भी शहादत हो गई रात का टाइम इशा दी वक्त का नमाज का टाइम है ते हजरत जनाबे जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा आप नू किसी ने बाद दे अंदर पूछया तवज्जो तलबात जड़ी दर्द दिल लैके मैं दसन लगा ते ए लैके जाया जे जनाबे जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा आप नू सवाल किया फरमाया नी सैयदा दसो तवज्जो ऐ जुमला मैं देन लगा सारी तकरीर दी जान जुमला आप नू पूछन लगे को दसो वो करबला दे अंदर को तुहाडे ते कोई मुश्किल घड़ी आई होवे जिहड़ा सब तो मुश्किल तरीन वक्त आया होवे मुश्किल तरीन सब तो मुश्किल ये करबला दा सारा दिन ही मुश्किल सी सारा दिन कि अपनी अखां दे नाल पुत्रां दी मैतां वेखना कोई सौखा काम है भतीजियां दियां सामने लाशां वेखणियां कोई सौखा काम है वीर दी लाश वेखना कोई सौखा काम है पैणा ते मर जांदियां ते आंदियां ने इंशाअल्लाह मरन ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानियां पैणा जिस पैण दा वीर ना कोई उस दुनिया तू की लैणा पैणा ते सारी जिंदगी यही दवावां करदियां ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो फिर कैद भी होईयां हत्थां दे अंदर पैरां दे अंदर बेड़ियां पहनाईयां गईयां कैदन बना दिता गया ते किसे ने सवाल किया सैयदा कोई मुश्किल घड़ी तेरे ते आई होवे ते आप दा इक्को ही जवाब फरमाया करबला दे दिहाड़े लाशा नू वेख के ते वीर दी मैयत कोल बैठिया मगरब दी नमाज दा वक्त दा पता ना चलिया
ते नमाज लेट हो गई, नमाज लेट हो गई। फरमाया ओ वक्त मेरे ते सब तो मुश्किल तरीन वक्त गुजरिया। अल्लाह अकबर। फरमाया मगरब दी नमाज मेरे को लेट हो गई, ओ जरा मेरे ते वक्त गुजरिया नमाज लेट होंदा सब तो मुश्किल तरीन ओ वक्त गुजरिया। ये दमिश्क दे शहर दे विचू कैदन बन के गुजरना सौखा नहीं, शाम दे महल्लात दे कोलों कैदन बन के गुजरना को सौखा नहीं के नाल पत्रियां भी तियां भी नाल कैदन बनिया होवन ते पैदल चलाया जा रहा हो, प्यासियां लैके जा रहा हो, को सौखा टाइम कोई भी नहीं। फरमाया मेरे ते मुश्किल तरीन वक्त गुजरिया ते ओ मगरब दी नमाज जड़ी मेरी लेट हो गई, मगरब दी नमाज जड़ी मेरे को लेट पड़ी गई ओही मेरे ते मुश्किल तरीन वक्त गुजरिया। ते आले रसूल ने करबला दे विच भी यही दर्स दिता, भावे जाना टुर गई भावे हर चीज खत्म हो गई लेकिन नसा ना करबला दे अंदर नमाज छड़ी है ते ना नाने दा दीन छड़िया है, ना नाने दा दीन छड़िया ते ना ही असा उत्थे कोई नमाज छड़ी है। नमाज थोड़ी जी लेट हो गई, यही फिक्र आखिरत लैके जाओ, आले रसूल यही फिक्र लैके जाओ ते नमाज दा दरस दे गए। पर मैं दुनिया वाले नमाज ना छड़िया जे। यजीद आप भी एक मस्जिद का इमाम सी, खतीब सी, लेकिन आले रसूल दे नाल बगावत कर गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों फरमाया जिदी दिल दे अंदर आले रसूल दी बगावत आ गई दुनिया तो जाएगा ते काफिर होके मरेगा, काफिर होके मरेगा। ये एक मस्जिद का इमाम खतीब रहा, लोगों वाज करता रहा। नमाज पढ़ने विच तुसी वेखो आले रसूल का जिक्र ना हो, आले रसूल दे दरूद ना पढ़िया जाए ते बंदे दी नमाज ते नहीं ना हो सकती। आले रसूल नूं छड्ड के बंदा नमाज मुकम्मल करे ते कदे भी नहीं हो सकती। ते इसे वजह ते मेरे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गलों एक राना ओ वे जिदी शाना सारी जिंदगी वी असी बयान करदे रहिए ते खत्म नहीं हो सकदियां। ते मैं सिर्फ गली गली हर जगह से जाके आखांगा अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। तकरीर मेरी खत्म हो गई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों आखिरी दफा ऐसे घराने की शान का जिक्र करो। अल्लाह मैं दवा कर देना वा जेड़ा अज तेरे नबी दी आदि खातर बोले, अल्लाह ओदी जिंदगी दे अंदर भी बरकत फरमाओ, अल्लाह ओदे माल दे अंदर भी बरकत फरमाओ। जिन्ने मेरे दोस्त मेरे वीर जिन्ने मेरे मेरी तो ज्यादा उम्र वाले रोज अल्लाह तेरे नबी दी आल दा जिक्र सुनने लिए आंदे ने, अल्लाह सारियां दे रिज़क दे अंदर बरकत फरमाओ, सारियां दी नेक दिली हाजतां दे मुरादां नूं पूरा फरमाओ। जेड़ा तेरे नबी दी आल दा जिक्र करे अल्लाह तेरे नबी दा फरमान है, फरमाया जेड़ा दिल दे विच मेरी आल दा प्यार लैके आवेगा मैं मुहम्मद ते वाजब हो गया कि मैं उस बंदे दी शफात कर देवां। फिर मैं कहना फिर बोल के क्या कर, अफजल है कुल जहान से कराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से कराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है जिनाना हुसैन का। अल्लाह दा पाक कुरान बोले أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا ما يريد الله ليزغب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سلام سلام
سلام سلام علی الیاسی سلام سلام علی الیاسین اللہ فرما رہا ہے میرے نبی دے کار والیاں دے سلام ہوے پھر قرآن سن اللہ فرما رہا ہے سلام 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 پنج تن دا ناظرا تسی بھی پنج دفعہ آکھو سلام 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 علی الیاسین افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے جنانا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ ذرا بابر چکلا بدلو کہہ لو صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ذرا کہو صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا آخری دفعہ کہو صدیاں حسین کی ہے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا ہے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے جنانا